हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जो भी आपको पसंद है कबूल कीजिए और चलते हैं इंटरेस्टिंग रिएक्शन वीडियो की तरफ। यहाँ से ये देख सकते हैं आप लोग कितना यहाँ पर आके एंजॉय कर रहे हैं। सूरज की रोशनी बिल्कुल डायरेक्ट अंदर आ रही है। इट्स लाइक अ कार। ये 360 भी है और फर्स्ट टाइम मॉल गया था ये 360 था। जैसे यहाँ पे ब्लैक फॉरेस्ट केक एट द रेट ऑफ 450 ओनली, और ये देख सकते हैं मेरे सामने ये। सभी का स्वागत है मेरे नए ब्लॉग में। और आज के दोस्तों फिर से मैं इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ, वैसे तो आप लोगों को पता ही चल गया होगा आप लोग बहुत इंटेलिजेंट हो, तो मुझे बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे मेरे इंस्टाग्राम में कि आप कब लुलू मॉल जा रहे हो, उसको एक्सप्लोर कब कर रहे हो, आपका ब्लॉग कब आ रहा है। तो फाइनली मैं आ चुकी हूँ लुलू मॉल को एक्सप्लोर करने के लिए। और 11 तारीख को ये खुल गया था, मैं उस टाइम पे इसलिए नहीं आई क्योंकि काफ़ी भीड़ थी, काफ़ी रश था, तो उस टाइम पे मैंने सोचा कि नहीं, थोड़ा अवॉइड करते हैं, बाद में जाएंगे। तो अब आ चुकी हूँ, तो चलिए चलते हैं अंदर, एक्सप्लोर करते हैं और अपना शुरू करते हैं व्लॉग। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय चैनल। नीचे प्यारा सा लाल कलर का बटन होगा जिसे खचक से दबा दीजिएगा, मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बन जाएगा। तो चलिए एक्सप्लोर करते हैं लुलू मॉल। सो दोस्तों, ये है लुलू मॉल के बाहर का नज़ारा कुछ ऐसा। मैं वॉक करके जा रही हूँ, मेन एंट्रेंस उधर से है। सो चलिए चलते हैं। चुकी हूँ और आप मेरी एक्साइटमेंट और आप मेरी आवाज़ सुन रहे होगी काफ़ी लाउड, मुझे बोलना पड़ा क्योंकि काफ़ी क्राउड है यार। मुझे लगा था लोग यहाँ पे थोड़ा आज कम हो जाएंगे, लेकिन नहीं, भीड़ उतनी ही है और लोग बहुत एक्साइटेड है इस मॉल को लेकर। सो चलिए अब मैं भी आप लोगों को दिखाती हूँ लुलू मॉल, अगर अभी तक आपने नहीं देखा है। और सूरज की रोशनी बिल्कुल डायरेक्ट अंदर आ रही है, इट्स लाइक अ गार्डन लग रहा है मुझे, मैं दिख नहीं रही हूँ, तो चलिए आप लोगों को भी दिखाती हूँ। दोस्तों, यहाँ से एंट्री है आपकी लुलू मॉल के अंदर आने की, और यहाँ से ये देख सकते हैं आप लोग कितना यहाँ पर आके एंजॉय कर रहे हैं। हर जगह भीड़ ही भीड़ देखने को मिल रही है, हर फ्लोर में देखने को मिल रही है। यहाँ पे सेकंड फ्लोर तक ये बनाया गया है और अब हम इधर चलते हैं, और इधर मुझे ज़्यादा भीड़ देखने को मिल रही है। सो लेट्स गो। ओ लवली। सो यहाँ पे दोस्तों मुझे ये सिटिंग एरिया दिख रहा है और बहुत ब्यूटीफुल सा यहाँ पर डेकोर किया गया है, आप देख सकते हो। और पब्लिक यहाँ पे बैठी है, और इधर मुझे शोरूम्स दिख रहे हैं, नाइका का दिख गया मुझे यहाँ पर, यूनाइटेड कलर्स का दिख गया। सो यहाँ पे लोग पिक्चर्स खिंचा रहे हैं। तो दोस्तों, ये है लुलू मॉल और आप यहाँ पर देख सकते हो कि हमारी जो लखनऊ की पब्लिक है लुलू मॉल के लिए कितनी एक्साइटेड थी। फाइनली उनका, मुझे लगता है, सपना पूरा हो गया है। और यहाँ पे सिटिंग एरिया काफ़ी अच्छा दे रखा है, सो आप देख सकते हो लोग बैठे भी हुए हैं। और आप लोगों को यहाँ पर दिखाती हूँ आगे। सो यहाँ पे सारे ब्रांड्स भी दे रखे हैं, आप मेरे इसके पीछे देख रहे होंगे जहाँ पे लोग बैठे, इसके जस्ट पीछे सारे ब्रांड्स भी हैं। सो
दोस्तों ये है फर्स्ट फ्लोर का मैप, ये आपको फर्स्ट फ्लोर का मैप फर्स्ट फ्लोर में ही मिल जाएगा, जो भी यहाँ पे शोरूम्स वगैरह है, जितने भी यहाँ पे खाने पीने की चीज़ें हैं। सो ये पूरा मैप दे रखा है और आई थिंक हर फ्लोर में ऐसे ही दे रखा होगा। सो ये है यहाँ का मैप। तो दोस्तों अभी हम सेकंड फ्लोर में हैं और यहाँ पर थोड़ा शॉप्स वगैरह यानी कि शोरूम्स कम हैं, अभी इधर ओपन भी नहीं हुए हैं, ब्रांड्स कमिंग सून है। सो ये है यहाँ का सेकंड फ्लोर का नज़ारा, आप देख सकते हो। दोस्तों ये मॉल ऐसा लग रहा है कि हम लोग आगे चलते जा रहे हैं, मॉल बढ़ता जा रहा है, इट्स लाइक अ ह्यूज बिग मॉल और काफ़ी क्राउड है। मुझे लग रहा है सबकी छुट्टी थी तो आज आ गए हैं। सो मेरे तो घर के नियर बाय है तो मैं तो आती रहूँगी, लेट्स सी इन फ्यूचर यहाँ पे कितना क्राउड रहता है। और ये ना ओपन गार्डन की तरह लग रहा है, लोग इतना इंजॉय कर रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं, हर शॉप में, शोरूम में और फूड कोर्ट में, हर जगह मुझे भीड़ भीड़ दिख रही है, जो सब मेरे पीछे देखोगे। सो अब हम लोग भी जा रहे हैं और बहुत भीड़ है, बहुत ज़्यादा। अब मैं यहाँ के फूड कोर्ट में बैठी हूँ, फाइनली मतलब हमें थोड़ा बैठने को भी जगह मिल गई, काफ़ी क्राउड है। अच्छा भी लग रहा है कि इतना एक्साइटमेंट है लोगों के अंदर, और घूमने आए हैं अपने लखनऊ में, लुलू मॉल खुला है तो उसको देखने आए हैं। और यहाँ भी काफ़ी ब्रांड्स हैं, पिज़्ज़ा हट है, डोमिनोज है और फिर चॉकलेट रूम है, तो ऐसे बहुत सारे फूड के ब्रांड्स भी हैं यहाँ पर। दोस्तों इस साइड था फूड कोर्ट और इसके जस्ट इधर ही नेक्स्ट में ही फन चूरा है। सो ये है फन जोन, मैं तो फन जोन ही बोल रही हूँ, और काफ़ी क्राउड है, आप यहाँ से देख सकते हो, हर फ्लोर में आपको लोग दिख रहे हैं। और आज की खास बात मुझे यही लग रही है कि लोग ही लोग दिख रहे हैं। सो चलते हैं उस साइड और देखते हैं कि वहाँ पे क्या है। ये 360 भी है और फर्स्ट टाइम मॉल के अंदर ये 360 राइड रखा गया है, सो इट्स लाइक अमेजिंग। तो हम लोग गेम जोन भी देख के निकल गए एंड सच में यार इस मॉल का सबसे बेस्ट पार्ट मुझे वो ही लगा, इतने सारे गेम्स थे, 360 था, बच्चों के इतने सारे गेम्स थे। सो इन फ्यूचर मैं आऊँगी, क्योंकि अभी तो बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं था, इतना रश था, लेकिन बहुत अच्छा है। सो यहाँ पर जो गेम जोन है तो वहाँ पर ज़रूर आइएगा, विजिट करिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा आप लोगों को कैसा लगा। से यहाँ पे अमूल की भी ब्रांड आ रखी है, कैवेंटर्स है और आरटीसी की भी है और आगे बर्गर किंग है, केएफसी है, डोमिनोज है, तो काफ़ी ब्रांड्स आ रखे हैं यहाँ पे फूड्स के। तो सर अब हम आपको हाइपर मार्केट ले जाते हैं, जो यहाँ पर लुलू मॉल का एक बहुत इंपॉर्टेंट आप कह सकते हो पार्ट है और सेगमेंट है। सो अब हम आपको सबसे ऊपर फ्लोर में थे तो वहीं से ले जा रहे हैं, तो ये है लुलू का कनेक्ट, जहाँ पर आपको डिजिटल आइटम्स देखने को मिलेंगे। सो लेट्स गो। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं टेलीविजन टीवी है और इस साइड हेडफोन वगैरह है, यहाँ पे आईफोन दे रखे हैं, ऊपर उधर के साइड देख सकते हैं एयरफोन वगैरह है, वही हेडफोन्स हैं, मोबाइल है। सो यहाँ पर आपको टैबलेट्स भी देखने को मिलेगा, सब कुछ, तो ये डिजिटल पूरे सारे आइटम्स आपको देखने को मिलेंगे।
ये देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे हेडफोन्स भी, माउस भी, और फिर सामने फैंस भी, फिर गीजर भी, सारी चीजें हैं। और अभी फिलहाल डिस्काउंट भी आपको यहाँ पर अच्छा मिल जाएगा क्योंकि न्यू मॉल खुला है, सो सारी चीजें आपको थोड़ा डिस्काउंट में मिल जाएगी। किचन के यहाँ पे देख सकते हैं मशीनरी आइटम्स भी हैं। अभी दोस्तों मैं कनेक्ट के मतलब डिजिटल यहाँ पर सेगमेंट में हूँ और यहाँ पे ना हर एक चीज़ मुझे देखने को मिल रही है, चाहे आपका किचन से हो, चाहे आपके बाथरूम से रिलेटेड हो, चाहे आपका लैपटॉप हो, फोन हो, तो हर चीज़ अवेलेबल है। सो दोस्तों यहाँ पे आपको होम डेकोर का भी सामान देखने को मिलेगा, जो भी आपको घर सजाने के लिए चीज़ें चाहिए होती वो भी यहाँ पर अवेलेबल है, जैसे कि वॉच हो गए, फ्लावर पॉट्स हो गए, लैम्प्स हो गए, केटल्स हो गए, सो ये भी चीज़ें यहाँ पर हैं। सो ये भी बहुत अच्छा लग रहा है मुझे देख के, लाइक काफ़ी अट्रैक्टिव पार्ट है ये। सो अगर आप होम डेकोर लवर हैं तो यहाँ पे ज़रूर यहाँ पर आइएगा, आपको बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें देखने को मिलेगी। सो दोस्तों अब हम ऊपर से नीचे जा रहे हैं, ये है इनका सेकेंड सेगमेंट जहाँ पे आपको क्लोथ्स देखने को मिलेगा, लाइक लाइफस्टाइल। सो यहाँ पे कपड़े देखने को मिलेंगे आपको और ब्यूटी प्रोडक्ट्स देखने को मिलेगा। सो यहाँ पे भी काफ़ी रश है, सो चलते हैं। सो ये है, देख सकते हैं किड्स सेक्शन है जहाँ पे आपको किड्स के लिए कपड़े देखने को मिलेंगे इधर साइड, और उधर ब्यूटी प्रोडक्ट्स वगैरह है। अब हम थोड़ा इधर से जाते हैं थोड़ा आगे, तो आई थिंक वुमेंस का आ जाएगा, सो लेट्स गो अहेड। सो इधर अभी हम मेन सेक्शन में हैं, सो किड्स सेक्शन के जस्ट ही पीछे साइड यहाँ पे मेन सेक्शन है, और इधर के बाद फिर दोस्तों आपको यहाँ पे जिम के मशीन्स भी देखने को मिलेगी, आप ये भी परचेज कर सकते हो, शूज़ भी हैं, स्लीपर्स वगैरह हैं। सो इधर लाइफस्टाइल में आपको ये सारी चीज़ें भी देखने को मिलेगी, साइकिल है, फुटबॉल है। अब हम आ चुके हैं लुलू के हाइपरमार्केट के ग्राउंड फ्लोर में, जो कि है सुपरमार्केट जहाँ पे आपको सारे ग्रॉसरी आइटम्स, किचन के आइटम्स, खाने पीने के आइटम्स सब कुछ मिलेगा। सो आप भीड़ भी देख सकते हो कि यार लोग कितना ज़्यादा यहाँ से खरीद के जा रहे हैं। सो लेट्स गो इनसाइड एंड एक्सप्लोर दिस प्लेस। सो दोस्तों हाइपर मार्केट के हम लोग सुपर मार्केट में एंटर करें और ऐसा लग रहा है यहाँ पे लूट मची है, काफ़ी रश है यार, और लाइक बहुत सामान भी ले रहे हैं लोग। और अभी मैंने जैसे बोला यहाँ पे डिस्काउंट भी आपको अच्छा मिल जाएगा, और सारे प्रोडक्ट्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, ऐसी कोई चीज़ नहीं होगी जो यहाँ पे ना मिले। इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स भी यहाँ पर अवेलेबल है, और आप लोगों को दिखाती हूँ यहाँ पे बेस्ट पार्ट क्या आएगा, ठीक है चलो। सो ये देख सकते हैं लोग यहाँ पे काफ़ी शॉपिंग कर रहे हैं, और ट्रॉली और बड़ी बड़ी ट्रॉलीज भी यहाँ पे अवेलेबल हैं, छोटी भी है और बड़ी भी है, और हर स्टोर में आपको लोग दिखेंगे। ये है रोस्ट्री जहाँ पे आपको ड्राई फ्रूट्स देखेंगे, और बहुत वैरायटी के यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स आ रखे हैं, सो यहाँ पे आप ड्राई फ्रूट्स वगैरह ले सकते हो, कैंडीज़ वगैरह हैं। ये है मैगी सेंटर, सो यहाँ पे देख सकते हैं हर वैरायटी के आपको जूसेस भी देखने को मिलेंगे, मतलब एक एक पूरा सेक्शन दे रखा है हर चीज़ के लिए। यहाँ पे आपका आप देखोगे नमकीन ही नमकीन देखेंगे, यहाँ पे जूसी जूस, यहाँ पे हर जगह मतलब हर सेक्शन अलग अलग बना रखा है। सो यहाँ पे देख सकते हैं एप्पल्स भी काफ़ी डिफरेंट वैरायटीज़ के हैं, सो इम्पोर्टेड एप्पल्स भी हैं यहाँ पर। ये देखिए एप्पल रेड इटली का है, एप्पल क्वीन है न्यूजीलैंड का है, सो यहाँ से इम्पोर्ट मतलब यहाँ पर इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स भी आए हैं, फ्रूट्स वगैरह आए हैं। सो ये सेक्शन देख सकते हैं फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का है। सो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों भुट्टा भी है, सो हमारे लखनऊ में बारिश तो नहीं हो रही लेकिन भुट्टा अवेलेबल है यहाँ पर, तो आप लोग भुट्टा भी ले सकते हो। सो दोस्तों जो मैं बेस्ट पार्ट यहाँ का ये बोल रही थी वो ये है कि यहाँ पे आपको फूड कोर्ट भी देखने को मिलेगा छोटा छोटा, आप यहाँ से लीजिए और बाहर जाके शायद से खाइए, यहाँ पे सिटिंग एरिया नहीं है। तो ये हॉट फूड नॉनवेज सेक्शन है जहाँ पे आपको हर वेराइटी का यहाँ पे नॉनवेज फूड देखने को मिलेगा, सो यहाँ पे भी काफ़ी रश है। तो सैलड्स वगैरह है, ग्रिल आइटम्स हैं, सो बिरयानी वगैरह है, सो यहाँ पे नॉनवेज फूड आपको देखने को मिलेगा। सो दोस्तों ये है इनका बेकरी सेक्शन, और यहाँ पे आपको हर बेकरी आइटम देखने को मिलेगा, अभी काफ़ी भीड़ है जैसे कि मैंने आपको बोला। तो यहाँ पे ब्रेड्स वगैरह, और यहाँ पे कुकीज़ वगैरह, और यहाँ पे पेस्ट्रीज वगैरह सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। सो दोस्तों आप लोगों को जितने भी यहाँ पे फूड आइटम्स देखने को मिलेंगे जो आप खाना चाहते हैं वो यहाँ पे केजी के हिसाब से मिलेंगे। सो दोस्तों यहाँ की जो
खास बात और बेस्ट पार्ट मैं बोल रही थी वो ये है कि आप यहाँ पे आधा किलो लेते हो या एक किलो लेते हो तो वैसे आपको यहाँ पर चढ़ेगा। तो देख सकते हो चिली पनीर है, ये 300 रुपए का यहाँ पर आधा किलो है। सो ऐसे ही आपको यहाँ पे सारे आइटम्स देखने को मिलेगा। सो यहाँ पर मतलब मुझे लग रहा है कि फूड के लिए बहुत बेस्ट चीज़ है, यहाँ पर आपको आधा किलो एक किलो में यहाँ पे मिलेगा और काफ़ी क्वांटिटी मेरे दोस्त ने बोला अच्छा खासा यहाँ पे चढ़ जाता है, मतलब मजे से खा सकते हो। सो लोग यहाँ से ले रहे हैं फूड और ऊपर फूड कोर्ट में जा रहे हैं, यहाँ पे अलाउड नहीं है। सो देख सकते हैं खाने की यहाँ पे काफ़ी वेराइटी यहाँ पर की गई है। सो आपके भूख का मिटाने के लिए भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल है। सो यहाँ पे सैलेड एंड चाट काउंटर भी है, पीछे वेज फूड है। सो इस सेक्शन में आपको पूरा वेजिटेरियन फूड देखने को मिलेगा। सो दोस्तों ये जो सेक्शन देख रहे हैं यहाँ पे फ्रोजन आइटम्स आपको देखने को मिलेंगे, हर एक चीज़ जो आइटम फ्रोजन में होती है वो आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। मोमोज हो गए, फिर पैटीज हो गई, या फिर पराठे हो गए, स्प्रिंग रोल हो गए, बहुत सारी सॉसेजेस हो गए। सो सारी चीज़ यहाँ पे वेज और नॉन वेज में आपको फ्रोजन आइटम्स जो है हमारे देखने को मिल जाएंगे। सदा से पहले मैं मॉल से बाहर आ चुकी हूँ और मैंने घूम लिया फर्स्ट टाइम लूडू मॉल, आप लोगों को भी दिखा दिया। प्रॉपर तरीके से इसलिए नहीं दिखा पाई क्योंकि काफ़ी भीड़ थी, तो मैं बार बार यहाँ पर आके आप लोगों को दिखाती रहूँगी कैसा कैसा यहाँ का माहौल है। सो आई होप आप लोगों को अच्छा लगा मेरा ये ब्लॉग, अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल, नीचे प्यारा सा लाल कलर का बटन होगा जिससे खचक से दबा दीजिएगा, मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बन जाएगा। मैं मिलती हूँ अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर। बहुत ही शानदार जबरदस्त वीडियो, उन्होंने बिल्कुल कहा कि इट्स लूलू टाइम। वैसे मुझे तो लूलू सुनने में बहुत सारा सिमिलर लग रहा है लखनऊ के साथ, जैसे लूलू लखनऊ। और लूलू माल इंडिया के 4 बड़े शहरों में पाया जाता है और लूलू का लफ्ज़ कुरान में आया जिसका मतलब मोती के हैं, और इसके जो ऑनर है यूसुफ अली वो एक मुसलमान शख्सियत है और भारत के एक बड़े बिजनेसमैन है। लूलू का ये शाहकार इंडिया की सबसे बड़ी रियासत यूपी के स्टेट कैपिटल लखनऊ में देखने में आया है, और ये इंडिया का सबसे बड़ा शॉपिंग सेंटर भी बन चुका है। और इसी ग्रुप के तहत जो दूसरे शॉपिंग सेंटर हैं वो भी टॉप 10 में शामिल किए जाते हैं। सेंट्रल इंडिया में जहाँ पर ये लखनऊ की लोकेशन है इस चीज़ की अच्छी खासी कमी पाई जाती थी, क्योंकि नॉर्थ इंडिया में लूलू ग्रुप ने पहले ही 2 बड़े बड़े शॉपिंग मॉल बना रखे हैं, एक लखनऊ में और दूसरा कूची में। तो सेंट्रल इंडिया में इन्होंने एक बहुत बड़ी चीज़ बना के, बल्कि इंडिया का सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल बना के नवाबों के इस शहर को एक और एजाज़ बख्श दिया है, और नवाबों के शहर में शॉपिंग मॉल का नवाब आ चुका है। और जिस दिन इसका इफ्तिताह था, जिस दिन इसकी पहला दिन था, उस वक्त 1,00,000 लोगों ने जाकर विज़िट किया था। शायद लखनऊ के लोगों को ज़्यादा जल्दी थी कि उनके शहर में इंडिया का सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल, और वो भाग के जाके देख के आएँ। और सच में भीड़ बहुत ज़्यादा थी, ऐसा लग रहा था जैसे ये कोई बहुत पुराना शॉपिंग सेंटर है और इंडिया भर से लोग इसको देखने आए हुए हैं। लेकिन अभी ये नया नया है तो इतनी ज़्यादा इसमें गैदरिंग है, आने वाले वक्तों में यकीनी तौर पर इसकी शोहरत में अच्छा खासा इजाफा हो जाएगा। अगर लूलू मॉल के फैक्ट्स की बात की जाए तो 11 मल्टीप्लेक्स स्क्रीनें इस पर लगाई गई हैं, और इसका फूड कोर्ट इतना बड़ा है कि 2500 लोग एक वक्त में खाना खा सकते हैं। 300 प्लस नेशनल और इंटरनेशनल ब्रांड्स यहां पर आपको देखने को मिलेंगे। इसके साथ साथ ये 14,000 करोड़ रुपये का मेगा प्रोजेक्ट है, और ये इतना 17 एकड़ पर फैला हुआ है 20,00,000 स्क्वेयर फीट के साथ। 17 एकड़ का ये बड़ा शॉपिंग सेंटर किसी के लिए भी एक दिन में घूम पाना किसी चैलेंज से कम नहीं होगा, इसलिए लूलू की माल की इंतजामिया को चाहिए था कि वो ऐसी साइकिलों का इंतजाम करे जैसा मैं गूगल के ऑफिस में देखने को मिलती हैं, जो एम्प्लॉयज़ पकड़ के पाँव से धक्का लगाते हैं और फिर वो साइकिल पर सवार रहते हैं, क्योंकि अकेला बंदा पैदल अपनी टांगों के ऊपर तो अच्छा खासा थक जाएगा। 20,00,000 स्क्वेयर फीट के इस बड़े शॉपिंग सेंटर को इंजॉय करते हुए, अगर शॉपिंग की रेंज की बात की जाए तो शॉपिंग की रेंज इतनी ज़्यादा है कि यहाँ पर आके एलन मस्क की जेब भी खाली हो जाए। किचन इलेक्ट्रॉनिक्स, मोबाइल्स, जिम, डेकोरेशन का सामान, हर चीज़ तो थी, लेकिन कहीं ना कहीं मेडिकल की फैसिलिटीज़ को लेके नज़र नहीं आई कोई ऐसी सूरत हाल के कोई मेडिकल एमरजेंसी सिस्टम बनाया गया हो। खैर खुदा ना करे कि कभी यहाँ पर किसी एमरजेंसी की ज़रूरत पड़े मेडिकल को लेके। और जो हर फ्लोर के ऊपर एक मैप दिया गया था और उसमें रहनुमाई की गई थी कि कौन सी दुकान कौन सा ब्रांड कहाँ पे है, वो भी बहुत ज़बरदस्त था। लेकिन जो मुझे इसका सबसे अच्छा पार्ट लग रहा था वो शॉपिंग से ज़्यादा जॉय लैंड था जो बच्चों के लिए बनाया गया है, और मुझे तो ऐसा शक पड़ रहा है कि एक दिन इसने सारे ब्रांड्स को पीछे छोड़ते हुए खुद एक ब्रांड बन के सामने आ जाना है। 360 का जिक्र किया गया, वैसे मैंने पर्सनली आज तक 360 नहीं लिया और ना ही मेरे अंदर इतना हौसला है कि मैं वो इतना ख़तरनाक झूला ले सकूं। अगर आप में से किसी ने 360 पे लेने का एजाज़ हासिल किया तो मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैं इतने बहादुर इंसान से मिलना
चाहूंगा। ये बहुत मुश्किल काम होता है कि कैसे जब पूरा राउंड लेता है तो ऊपर की तरफ सब कुछ, बहुत तसव्वुर भी नहीं कर सकता मैं तो इतने खतरनाक झूले का। और आगे चल के जो बच्चों को वो बड़ी बड़ी डिवाइसें पहना के आंखों के आगे, तो उनको 3D स्पेस का मजा दिया जा रहा था, वो भी सच में बहुत ज्यादा अमेजिंग था। तो यकीन जानिए एक दिन ये जॉयलैंड इसने पूरे लुलु मॉल के अंदर एक इंफरादी हैसियत हासिल कर लेनी है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा एक नई चीज है। इस तरह की चीजें हमें बड़े दूसरे किस्म के जो हैं इंटरटेनमेंट की जगह वहां देखने को मिलती है, लेकिन शॉपिंग मॉल्स में ऐसी चीजों की मौजूदगी एक सच में एक नई चीज है। और इसके साथ साथ शॉपिंग मॉल में हमें दरख्त भी देखने को मिले, ये भी बड़ी जबरदस्त बात थी। और सीटिंग का इंतजाम भी बहुत अच्छा था। स्वीट्स एंड बेकरी का तो जवाब नहीं, लखनऊ की मिठाई से तो वाकई दिल बाग बाग हो गया, दिल और मुंह मीठे होके रह गए। और ये मिठाई अच्छी खासी महंगी भी बताई जा रही थी, और ये मिठाइयाँ या दूसरे खाने ये केजीज के हिसाब से दिए जाएंगे, तो ये इतने ज़्यादा तो आसान नहीं होने वाले कि ये स्ट्रीट फूड की तरह सस्ते हो, लेकिन अपने मेयार की वजह से ये महंगे होंगे और यकीनी तौर पर मज़ेदार भी होंगे खाने में। और जो इम्पोर्टेड फ्रूट्स की बात की गई वो सुन के अच्छा लग रहा था, नहीं भी अच्छा लग रहा, अच्छा इसलिए लग रहा था कि इंडिया वालों को दुनिया भर से आया हुआ फल खाने को मिलेगा, लेकिन अच्छा इसलिए नहीं लग रहा था कि इंडिया में खुद कौन से फल की कमी है जो इंडिया को दूसरे मुल्कों से फल मंगवाने पड़े। ऑरेंजेस का मुकाबला ऑरेंजेस का बताया गया कि अफ्रीका से ऑरेंजेस आए हैं। यकीन जानिए इस बर्रे सगीर में मुतहदा हिंदुस्तान में इतनी जरखेज़ ज़मीनें हैं कि दुनिया का कोई भी खित्ता शायद अपने जायके को लेकर हिंदुस्तान और पाकिस्तान के फलों का मुकाबला ना कर पाए। इंडिया में शायद नागपुर ऐसा शहर है जिसे सिटी ऑफ ऑरेंजेस कहा जाता है, और पाकिस्तान में सरगोधे को कहा जाता है। तो सच में यहाँ अपनी ज़मीन की अपनी एक मिठास है, अपना एक जायका है, लेकिन अगर फिर भी इम्पोर्टेड है तो फिर भी ठीक है, अपनी जगह वो भी अच्छा है। बाकी वीडियो बहुत ज़बरदस्त थी, लुलु का ये शॉपिंग मॉल, इंडिया का सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल जो लखनऊ में खुला है, बहुत ज़्यादा अमेजिंग था। और लखनऊ में एक बहुत बड़ी कमी थी जो पूरी हो गई, बहुत अच्छा लगा देख के। आपकी सजेशन का इंतज़ार रहेगा, अपनी सजेशन कमेंट बॉक्स में दीजिए और मुझे दीजिए इजाज़त। मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग रिएक्शन वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। बाय।